आया, आदम को पूछा आदम तू किधर है, हालेलुया आज सुबह हालेलुया ओ पास हाल किया मनुष्य परमेश्वर से दूर भागा और हालेलुया ओ झाड़ के नीचे ओ छुपने के लिए तैयार हो गया मगर परमेश्वर की आवाज आदम तू किधर है हालेलुया आज सुबह जो कोई परमेश्वर के सन्निधि में आकर बोलेगा प्रभु मैं हूं यहां हालेलुया उनके लिए परमेश्वर आज सुबह अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है जीवन को आलू अभिषेक के साथ अद्भुत तरीके से बदलने के लिए तैयार है उसका प्रेम डालने के लिए तैयार है हालेलुया हालेलुया पापी कारण परमेश्वर के सन्निधि से दूर भागा भविष्य को ढूंढने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया हालेलुया ओ रीवन व शमवार मसीहा आज में हमारे का नाम आलिय लेकर प्रभु पूछे तू कहां है तू कहां है हालेलुया शंकर रवा दिया अवसर मिले हालेलुया सब लोगों को मंथराव मिलने के लिए प्रभु अवसर देता है परमेश्वर अपने वादा पूरा करने के लिए तैयार है हमें अपने प्रतिज्ञा के विषय में हमें परमेश्वर देर नहीं करता है हालेलुया अंतिम दिनों में हर एक लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की हमें अभिषेक हमें छोटे छोटे बच्चे लोगों के ऊपर जवानों के ऊपर दहनों के ऊपर भाइयों के ऊपर सबके ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक डालने के लिए प्रभु इच्छा करता है प्रभु अपने वादा पूरा करने के लिए प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए तैयार है हालेलुया मौसम आज भी बदलता है पर हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलते हालेलुया यीशु के ऊपर आशा रखने वाले आज सुबह प्रभु की आलिया सन्निधि में बोले प्रभु मैं हूं यहां हालेलुया मेरे जीवन को प्रभु आपका हाथों में समर्पण करते हालेलुया आज हमारे मध्य में प्रभु बोल है हालेलुया ओ 2007 पहले कालवरी क्रूस पर हमारे लिए हालेलुया ओ सब कुछ दे दिया प्रभु आसवे हमें करीब बुला रहा हमारी आंखों को बंद करिए दो बड़ी प्रभु के सामने बोलिए प्रभु मैं हूं यहां पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर भागा उसको ढूंढने के लिए एक अच्छा चरवाहा का समान इस धरती में उतर कर आया 99 को छोड़कर जो खोया हुआ हालेलुया एक ही भेड़ के लिए एक चरवाहा अच्छा चरवाहा हालेलुया पहाड़ों के मध्य में झाड़ियों के नीचे ढूंढ रहा हालेलुया जीसस जीसस ओ यीशु आसवे हालेलुया हमारा दिल की दरवाजे पे कटकटा रहे जीसस हालेलुया जीसस दिल खोलिए दो मिनट प्रभु के लिए हरे प्रभु के सन्निधि में अपने जीवन की हर एक बातों को बोलिए पिछले दिनों में पिछले महीनों में प्रभु हमें अद्भुत तरीके से संभाला इस नया महीना एक नया मौसम है हालेलुया अगले तारीख को प्रभु के सन्निधि में हालेलुया विश्वास के साथ हाथ उठाने वाले विश्वास के साथ दिल उठाकर प्रार्थना करने वाले आपका जीवन के अंदर पवित्र आत्मा कुछ नया कार्य करना चाहता है हालेलुया 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 शरणवा हथरोदी कसरवा शथोदी अदरवा कसथे यस हालेलुया मैं हूं यहां Oh!
आपका हाथों में मैं समर्पण करता हूँ। हालेलुया, ऐसा बोलने वाले के लिए आज से पवित्र आत्मा कुछ नया कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जिंदगी के अंदर ओ हालेलुया, वो अपने पिताजी की भेड़ बकरियों को संभाल कर ओ ले चलने वाले एक विश्वासियों के साथ साथ जो कुछ काम परमेश्वर ने सौंप दिया उस काम को अच्छी तरीके से कर रहे। वो दाऊद एक छोटा बालक है मगर हालेलुया उसको प्रभु ने जो दिया, उनके पिता ने जो काम दिया वो विश्वास योग्यता के साथ कर रहे थे। मगर उनके लिए अभिषेक आ गया, परमेश्वर उसको ढूंढ कर बाहर निकाला। सुनिए हालेलुया, डाकुओं के मध्य में से, करोड़ों के मध्य में से आपको और मुझे प्रभु ने छूकर बाहर निकाला। प्रभु की कुछ कार्य है, हालेलुया, प्रभु की कुछ योजना है आपके बारे में, प्रभु की कुछ योजना है। सुनिए हालेलुया, इस पीढ़ी में अपने ऊपर प्रभु की योजना को समझ कर अधूरे शब्द मारे बस कर रहा। यस हालेलुया, एक छोटा छोटा हो बालक हो परमेश्वर ने अभिषेक के साथ बाहर निकाला, उनका स्थिति बदल गया। आसमे पवित्र आत्मा के अभिषेक आपका जीवन के अंदर कुछ नया नया कार्यों को दहाड़िया और दे रहा है। यस हालेलुया, हालेलुया, शिखर हमेशा के लिए सुखापन नहीं है। एक बारिश आएगा वो सुखापन हट जाएगा, हरियाली आ जाएगा। आज सुबह आपका जीवन के अंदर आज का सुखापन हालेलुया महसूस कर रहा है। मैं पवित्र आत्मा का नदी आज सुबह अधूरा शब्द आपका जीवन की हर एक सुखापन को हटा कर यस 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 हालेलुया हालेलुया आज परमेश्वर के सन्निधि में नम्रता का साथ प्रार्थना किया। ओ हालेलुया, आने वाला विषय को पवित्र आत्मा हालेलुया बता दिया, दानियल को दर्शन दिया, परमेश्वर ने गहरे बातों को बता दिया। आज वे इस पीढ़ी में अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण के लिए, अपने हर लोगों के लिए दुआ करने के लिए, देश के लिए दुआ करने के लिए, अगर दानियल के समान एक व्यक्ति तैयार है तो आने वाला दिनों में देश के ऊपर प्रभु क्या करना चाहता है, लोगों के ऊपर प्रभु क्या करना चाहता है, प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने आत्मा के द्वारा आज में प्रकट करेगा। आइए हालेलुया हमारे सिरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज सुबह के समय हालेलुया नम्र हालेलुया अनुभव में हम आपके चरणों में आते प्रभु। हम कुछ भी नहीं है आज तक, अरे प्रभु हमें चलाया, हमारे ताकत नहीं, हमारा बल नहीं, हमारा पैसा नहीं, कुछ नहीं प्रभु, आपकी अनुग्रह है आज हम जीवित है। हालेलुया इसे प्रभु आपके हाथों में हमारे जीवन को समर्पण करते प्रभु। सुबह प्रभु आपसे बात करिए, ये मई महीने के पहले तारीख को आपकी सन्निधि में और एक बार हमें समर्पित करते हर प्रकार के सुख आफत हालेलुया ओ हट जाने पर ओ लोगों के ऊपर ओ आज सुबह प्रभु अद्भुत छुटकारा प्रभु दीजिए। प्रभु वचन का ताकत लोगों के जीवन की परिस्थिति को बदलने पर से ताकि हर एक बंधन टूट जाने पर हालेलुया ओ हमारे मनों को तैयार करते प्रभु, दिलों को तैयार करते प्रभु, जीवन को तैयार करते प्रभु, आपके हाथों में उपयोगी पात्र बनकर इस पीढ़ी में
आगे दे रहे प्रभु आगे के समय प्रभु आपके दास के द्वारा हमें बात करिए, हर एक विषय के उत्तर दीजिए। हालेलुया, सारी मान की मान सब कुछ हम आपको देते प्रभु यीशु मसीह की मधुर मीठे नाम से प्रार्थना करते हैं। कभी अपने साथ बैठ जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज सुबह के समय परमेश्वर के भवन में प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आया हर एक प्रियो को यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। कठिन धूप में भी आप लोग समय को निकालकर परमेश्वर संगति में आराधना करने के लिए आया। आप अनुग्रह के पात्र हैं। परमेश्वर आपको सारी प्रकार की आशीष आपके ऊपर देगा जरूर। हालेलुया, प्रभु आज हमको बहुत आशीष के साथ जब से हालेलुया विदा करेगा। आप विश्वास के साथ बैठिए। अगर आप पहली बार इस भवन में प्रार्थना के लिए आराधना के लिए आया तो कभी आपका हाथ उठा सकते नहीं तो जगह पे खड़े हो सकते। हाँ, हम आपको स्वागत करना चाहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। हमारे मध्य में है प्रभु दास को और परिवार को स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, आगे के समय हम वचन से सुनने जा रहे हैं। प्रभु दास डॉक्टर पॉल मैथ्यू साहब आएंगे और वचन से हमें सिखाएंगे। तालियों के साथ प्रभु दास को स्वागत। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जोर से ऊंची आवाज से बोलिए, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर गर्म और अच्छे दिन के लिए। परमेश्वर ने हमको आशीष दिया। हाल में मैं एक गांव में पास एमा ईपन के साथ सेवा के लिए गया पिछले हफ्ते में, तो मैंने उनको बोला बहुत गर्मी है ना बाद साहब। बोला यही तो बात है, भारत के लोग गर्मी में बोलते हैं गर्मी है, सर्दी में बोलते हैं सर्दी है, बारिश में बोलते हैं बारिश है। मौसम कौन सा बचा प्रभु की आराधना करने का। मैंने बोला आज के बाद नहीं बोलूंगा, इसलिए अच्छा दिन है। बोलिए अच्छा दिन है, मेरे साथ बोलिए जोर से और बोलिए आज का दिन। बाकी आप लोग बोलिए और हम इसमें, जोर से बोलिए दिल से बोलिए और हम इसमें, एक बार और हम इसमें। आनंद कैसे दिखता है? आपके कपड़ों से दिखता है या खड़े हुए बाल से दिखता है? कैसे दिखता है आनंद? और आपके पड़ोसी को बोलिए मैं बहुत आनंदित हूँ और आप मेरे पास बैठे हो, आज आप आनंदित हो जाओगे देखना। ऐसे बोलिए आप, थोड़ा मुस्कुराना प्लीज, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा आपको। सप्ताह का शायद एक ही मौका होगा जब आप रिलैक्स होकर बैठ सकते प्रभु के वचन के आगे। प्रभु बहुत बहुत आज सुबह हम सबों को आशीष देने पाए। याद रखिए अपन को बाइबल की सब बातें मालूम है, फिर भी अपन सीखना चाहते हैं, ठीक है? अपन को ए टू जेड मालूम है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। इस चर्च के अंदर पिछले 55 साल में जितना वचन सिखाया गया उतना और कहीं नहीं सिखाया गया, इसलिए अपन को सब मालूम है। ऐसा बोलो सब मालूम है, फिर भी सीखेंगे। और एक और लाइन, ऐसा सीखेंगे कि दूसरों को हम सिखा सके। बोलिए ऐसा सीखेंगे कि दूसरों को हम सिखा सके। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 50वें दिन पेंतिकुस्त की अग्नि उतरी, ओके? यानी कि 40 दिन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम में और उसके आसपास में समय समय पर दिखाई देता रहा और शिष्यों को सिखाता रहा। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान स्वर्गारोहण के 50वें दिन, दैट मीन्स 7 हफ्ते बाद। और अगर आपका गिनती सही है तो आपका रिजरेक्शन डे के बाद मई 15 विश्व भर में पेंटिकॉस्ट संडे के रूप में मनाया जाता है, पेंटिकॉस्ट संडे के रूप, ओके? और प्रभु ने मुझे ये अनुग्रह दिया और मुझे ये आदेश दिया कि अपन मिलकर कलीसिया रूप में अगले 3 प्रभुवार पवित्र आत्मा के विषय में सीखें, ओके? अपन को सब आता है फिर भी अपन, अरे बोलिए ना प्लीज, सब आता है फिर भी हम इतना सीखेंगे कि हम दूसरों को। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप मुस्कुरा रहे हैं, आशीषित हैं। और पेंटिकॉस्ट संडे 15 मई को है, आज 1 मई है। 3 हफ्ते पवित्र आत्मा के विषय में एक गहराई से आनंद के साथ सीखने का प्रयास करेंगे। और मेरी एक ही प्रार्थना है, आपका सोशल मीडिया यूज कर, आपका डायरी यूज कर, आपका फोन यूज कर, आप जो आप सीखते हैं इस मंडली के अंदर अन्यों को आप सिखाएं, क्योंकि अनुभव ने यह सिखाया है, मनोविज्ञान ये सिखाता है, सुनना ही नहीं लेकिन करने पर आप ज्यादा सीखते हैं। और मेरी ये प्रार्थना है दिल से, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप दिल से प्रभु के वचन को सीखें। आज हम पवित्र आत्मा के प्रतीकों के विषय में सीखना चाहते हैं, चिन्हों के विषय में। उनको सब आता है,
फिर भी अपन एक नए तरीके से अपन सीखना चाहते हैं। बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा को कई प्रतीकों में दिखाया गया है, लेकिन पहले ही मैं इस बात को क्लियर कर दूं, प्रतीक पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा को समझने के लिए, पवित्र आत्मा को समझाने के लिए, उसके कार्यों को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन चिन्हों को समझ सकें। त्रि एक परमेश्वर है, तीन परमेश्वर नहीं, त्रि एक परमेश्वर है। ये भी और क्लियर करें, मेरे साथ बोले त्रि एक परमेश्वर, और जोर से बोले त्रि एक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। ठीक है, तीन परमेश्वर नहीं, त्रिएक। एक ऐसी अनूठी अनोखी संगति में ये तीनों है कि इनका कार्य भले अलग अलग हो, लेकिन ये त्रिएकत्व है, ट्रिनिटी है। ओके, और बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 50वें दिन पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर बल से उतरा और वे अन्य भाषा बोलने लगे, लेकिन केवल वहीं पर ही नहीं, सृष्टि के आरंभ से पवित्र आत्मा की हुजूरी थी, उसको बनाने वाले दिनों में सीखेंगे। तो आज केवल चिन्हों को अपन सीखना चाहते हैं। पहला चिन्ह है, ये परमेश्वर का दान है। कितने लोग इनाम अपने जीवन के अंदर चाहते हैं? मेरे साथ हाथ उठा। आपको अच्छा लगता है इनाम मिलता है आपके बर्थडे में, क्रिसमस में? देना तो तुमको अच्छा लगता नहीं है, लेकिन लेना कितना? मैं तो हाथ उठा रहा हूं, मुझे जब कोई गिफ्ट मिलता है रैप किया हुआ, मैं तो वहीं पूरा फाड़ देता हूँ, टेप वेप निकालता नहीं हूँ मैं, ऐसा कैसा फाड़ देता हूँ, अंदर क्या है, कंगी है, ये क्या है, मालूम तो पड़े इसको देखने। तो इनाम बाइबल के अंदर, आज मैंने आयतों को भी आपके स्क्रीन पे डाल दिया ताकि लिखने वाले उसको लिख सके, दो दो आयतें हर जगह, लेकिन इनाम के विषय में बहुत खूबसूरत तरीके से और मेरी मदद अपन करेंगे, मिलकर अपन इन आयतों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 38 स्क्रीन पर जो आते हैं आप दिखाएंगे, और वहां पर इस प्रकार लिखा है, ये परमेश्वर द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा रूपी इनाम। आपको नोट का बंडल मिले या चेक का इनाम मिले या लॉटरी में गाड़ी खुले, उससे भी कहीं बढ़कर है परमेश्वर का दान। चलिए मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, तो पढ़िए 1, 2 और 3। पत्रस ने उनसे कहा, जोर से पढ़िए बाकी, हाँ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या करो, बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों काम 8:20 के अंदर एक खूबसूरत बात लिखी, एक आदमी आया और जब दूसरों को पवित्र आत्मा के वरदानों का प्रयोग करते हुए देखा, इसने अपना चेकबुक निकाला और बोला, सर ये पैसा लो, टेबल के नीचे से देते अपन इंडिया में, टेबल के नीचे से उसको दिया, बोला सर आप ये रखो, आप बोलना नहीं किसी को, लेकिन मेरे को भी आप ये जो दे रहे हो आप देना। पत्रस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान, रुपयों से मोल लेने का विचार, परमेश्वर का दान, दिस इज द होली स्पिरिट। अपने चर्च का नाम राजस्थान पेंटिकॉस्टल चर्च है, यानी कि 50वें दिन जो अनुभव हुआ उसका, उसके ऊपर अमल करने वाले, विश्वास करने वाली अपन कलीसिया है, इसलिए जरूरी आप इन चीजों को सीखे। एक और आयत में आपको यहां पर देना चाहता हूं, प्रेरित 10:45, देखिए प्रेरित 10:45 यही आयत पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, देखिए, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का, अरे जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा का दान, दान से भी नया अच्छा एक हिंदी शब्द उसको बोलते हैं गिफ्ट, गिफ्ट, पवित्र आत्मा किसका गिफ्ट है मालूम? परमेश्वर का गिफ्ट है मेरे लिए और आपके लिए। कितने लोग परमेश्वर से आज सुबह गिफ्ट चाहते हैं, गिफ्ट खुदा के हाथ से। एक और आयत में आपको बोलना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 24:49, Luke 24:49, वहां पर इस प्रकार लिखा है, तुम इंतजार करना, Luke 24:49, तुम इंतजार करना कि पिता की प्रतिज्ञा जब तक तुमको ना मिल जाए तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना, तुम इंतजार करना, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है
मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। पिता की प्रतिज्ञा, पिता की प्रतिज्ञा, यानी कि दिस इज अ प्रॉमिस, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। तो पवित्र आत्मा का पहला चिन्ह मैं आपको आज सुबह मिलकर अपन सीखना चाहते हैं, वो ये है, ये पिता की प्रतिज्ञा है या ये गिफ्ट है स्वर्ग का। नंबर दो, दूसरा चिन्ह अपन और जल्दी जल्दी चलेंगे, अपन को आज प्रभु भोज भी है और वचन भी सीखना है, सब बात अपन करनी है। ऑलराइट, पहला चिन्ह क्या है ब्रदर्स, कैन आई हियर फ्रॉम यू, पहला चिन्ह क्या है? गिफ्ट। एक आयत बता सकते हैं आप लोग? डोंट आस्क मी, मैं बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहा हूँ इधर आकर, बहुत सच में आप मेहरबानी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको और भी आशीष देने का। दूसरा चिन्ह है कबूतर, डव। ओके, आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद जब वो जल से बाहर आया तो स्क्रीन ऑन करेंगे ब्रदर, थैंक यू। जल से जब बाहर आया तो उसके ऊपर क्या हुआ? पवित्र आत्मा पड़ी। मत्ती 3:16 तुरंत पानी में से ऊपर आया। आगे देखो, उसके लिए आकाश खुल गया। हाँ, उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और राइट, कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है लेकिन प्रतीक है। अब अन्य जानवर क्यों नहीं, केवल कबूतर क्यों? उसके जेंटलनेस के कारण, उसकी कोमलता के कारण। जिनके पास सफेद कबूतर जो पालते हैं उनको मालूम है वो अन्य कबूतरों से भी सेंसिटिव है। डव उसको इंग्लिश में कहते हैं। अन्य पक्षियों से, अन्य कबूतरों से भी सेंसिटिव इस प्रकार है, ज्यादा शोर हो या ज्यादा हल्ला हो या ज्यादा लोग हो, उस जगह से वो अपने आप को हटा लेता है, वास करके शांत स्वभाव का कोमल एक निर्मल एक प्राणी है डव, सफेद कबूतर, और वो पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है। एक और आयत देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर पहला अध्याय उसकी 32 आयत में क्या लिखा है, वहां क्या लिखा है? यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने, बाकी पढ़िए जोर से आप लोग, आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर, द जेंटलनेस ऑफ द होली स्पिरिट। सी, हम पेंटिकॉस्टल लोग हल्ला मचाने के लिए जाने जाते हैं, जोर से गाने के लिए, जोर से बजाने के लिए, जोर से बाजा बजाने के लिए, जोर से प्रार्थना करने के लिए, दैट इज वन, वो आगे आ रहा है, चिंता मत करिए। लेकिन एक आयाम पवित्र आत्मा का है जेंटलनेस, शांतता, निर्मलता। पिछले दिनों में कॉन्फ्रेंस के अंदर जब वचन बोल रहा था, मैंने आपको याद दिलाया नवापुर कन्वेंशन के अंदर एक परमेश्वर के दास अर्जेंटीना से आए थे, पाब्लो गोतारी, और वो कैसे छुटकारे की सेवा करते थे। उस दिन तक मैंने ऐसी ही सेवा देखी थी, प्रार्थना करने की सामर्थ की, डांटने की, दुत्कारने की, भयंकर सेवा ही मैंने दुष्ट आत्माओं को निकालने के विषय में देखी। लेकिन उस दिन पाब्लो गोतारी साहब स्टेज पर खड़े थे और जैसे वो खड़े हुए चारों तरफ से दुष्ट आत्मा लगे, हवा लगे, वे लोग आने लगे, दौड़ने लगे, नीचे गिरने लगे और सबको उन्होंने शांत कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात, हम लोग तो उनको पकड़ने गए वॉलंटियर्स के रूप में, उनको रोकने गए, लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ वहां पर? उन्होंने बस छोड़ दो उनको और धीरे से उन्होंने प्रार्थना करके बोला, यीशु के नाम से निकल जाए। मैंने बोला, इतना धीरे इंडिया में बोलोगे तो दुष्टात्मा नहीं निकली? बोला, यीशु के नाम से निकल जाए। मैंने बोला, अरे ये इंडिया अर्जेंटीना में चलता होगा, यहाँ नहीं चलता, यहाँ तो डायनम। लेकिन एक आयाम है, दिस इज अ पर्सपेक्टिव, जेंटलनेस। फिर उन्होंने उस दिन सिखाया जो मैं कभी भूला नहीं, आपकी आवाज और आपके नाम की ताकत के कारण दुष्ट आत्मा भागेगा नहीं, लेकिन यीशु के नाम के कारण दुष्ट आत्मा आपकी परिस्थिति को छोड़कर निकल जाएगा। विश्वास करने वाले जोर से ताली बजाते हैं, हालेलुया। आपकी और आगे आ रहा है कबूतर, आयतों को आप ध्यान रख रहे हैं, कोमलता को दिखाते, जेंटलनेस को दिखाते। इसके अंदर ही आप सीखिए, पवित्र आत्मा कभी आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, आपके दिल पर खटखटाता है, आपके दरवाजे को तोड़कर अंदर आ रहा हूं मैं, तेरे को मैं पवित्र बनाने जा रहा हूं, आज तेरे को चर्च खींच कर लेकर जाऊंगा और तेरे से शुद्धि करवाऊंगा, ऐसे कभी नहीं करता। इसलिए तो आप लोग कभी कभी चूक जाते हैं और चर्च नहीं आते, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाती, क्योंकि पवित्र आत्मा जेंटल है।
बड़े आराम से खटखट करता है। और मैं आपको इस बात को सिखाना चाहता हूं, थर्ड थिंग, तीसरा चिन्ह पवित्र आत्मा के विषय क्या है, दिखाइए। और इन आयतों को आप याद रखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। और ये है हवा या श्वास। आपको याद होगा आदम और हवा को मिट्टी का पुतला बनाया, और मिट्टी का पुतला बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, उनकी नथनों में, चेयर में बैठी हुई बहने, उनकी नथनों में क्या किया, श्वास को डाला। और वो श्वास जो शब्द है मूल में इब्रानी भाषा के अंदर रूह है, रूह। तो जोर से बोलिए रूह। और रूह का मतलब क्या है उर्दू में, आपको मालूम है? जोर से बोलिए आत्मा। थैंक यू। पाक रूह बोलते हैं उर्दू के अंदर, रूह। वेलकम। पवित्र आत्मा वो श्वास है, पवित्र आत्मा वो हवा है, पवित्र आत्मा वो आंधी है जो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा करवाना चाहता है। इसके पिताजी कभी स्टेज में नहीं आए, लेकिन कम से कम ये आया, ताले बजाएगा प्रभु को धन्यवाद दो इसके। हालेलुया। जीनो और स्मिता का बेटा, गॉड ब्लेस यू, अच्छे दिन में स्टेज पे सर करा, गुड, डोंट वरी। ओके, आपको याद है प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में जब एक कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करते 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 दूसरा अध्याय निकाले, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय। ओके, वहां पर लिखा है दो के दो में, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। किसका शब्द हुआ? आंधी का शब्द। जोर से बोलिए आंधी का शब्द। जितना वॉल्यूम में आप दबा के बोलिए आंधी का शब्द। आंधी, प्रार्थना करते करते, ये सामर्थ का पर्सपेक्टिव है। देखिए आंधी का शब्द केवल जेंटल नहीं है, लेकिन आंधी का शब्द भी उस कमरे के अंदर प्रवेश किया, और वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। इज़ीकियल की पुस्तक पुराने नियम के अंदर 37 के अंदर 9 आयत से आगे अगर आप सीखें और देखें, वहां पर खूबसूरत तरीके से परमेश्वर प्रभु के दास इज़ीकियल को एक वादी में ले जाता है दर्शन के अंदर, और दर्शन के अंदर वादी के अंदर हड्डियां ही हड्डियां देखकर, सूखी हड्डियां, मतलब कभी सेना मरी होगी, वो भूल गए लोग, इतना तहस नहस हुआ, वो वादी पूरी हड्डियों से भरी थी। प्रभु के दास को प्रभु का आत्मा पूछता है, ये हड्डियां जिंदा हो सकती है क्या? इज़ीकियल ने 34वें अध्याय में बोला, प्रभु तुझे ही मालूम है ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अचानक प्रभु के दास को प्रभु के आत्मा ने बोला, तू भविष्यवाणी कर, बोल बोल इन हड्डियों से। और वहां से हम सीखते हैं, ध्यान से सुनिए, वहां से हम सीखते हैं हमारी मरी हुई परिस्थितियों के अंदर जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर प्रभु के वचन को हम बोलते हैं, सूखी हुई परिस्थितियां भी हरी हो जाती है। अभी प्रभु के दास ने प्रार्थना में बोला, सूखी हुई हड्डियां भी बदल जाती हैं, हमारी सूखी हालातें न केवल गीली लेकिन जीवंत हो जाती है। कई लोग जी रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे, लेकिन इसके साथ साथ आज अपन सीखना चाहते हैं। यूहन्ना 3:8 में लिखा है, और तीसरा अध्याय आपको याद होगा निकोदेमुस से प्रभु यीशु मसीह का वार्तालाप है। 8 अध्याय के अंदर वहां पर इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 3:8 में, हवा जिधर चाहती है, बाकी आप लोग बड़ी जोर से आगे, परंतु नहीं जान कि वह कहां से आती है और कहां से जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है, सिंपल है। तो राम जी, हवा, आंधी, श्वास पवित्र आत्मा को दिखा, जीवन को दिखा, आपकी निर्जीव अवस्था, आपका बिजनेस। एक और चीज मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा और ये जितनी बातें अपन संडे को प्रभु और मंडे को ट्यूसडे को सिखाते हैं, पवित्र आत्मा केवल संडे के लिए नहीं है। यहां से निकलने के बाद बाजार में आप जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, थड़ी लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, इंजीनियर हैं आप, डॉक्टर हैं आप, बिजनेसमैन हैं आप, आपको यही सारी टीचिंग्स आपको वहां पर काम। तो आपका जीवन, आपका बिजनेस, आपका जॉब निर्जीव है, सूखी हड्डियों के समान है, कुछ नहीं हो रहा उसके अंदर, आपका आपके प्लांटेशन में कुछ नहीं हो रहा। आप पवित्र आत्मा के श्वास को, पवित्र आत्मा की हवा को, उसके ऊपर अगर आप घोषणा करेंगे, मैं विश्वास से कहना चाहता हूं, जब आप ये वचन सीख जाएंगे, वचन के आधार पर वहां पर हरियाली ही नहीं, जीवन वहां पर प्रवेश करेगा। बोलिए जीवन, जोर से बोलिए जीवन। आपका फाइनेंसिस हो सकता है, आपका कंस्ट्रक्शन हो सकता है, आपका प्लानिंग हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता, लेकिन जब आप जीवन में घोषणा करते हैं, पवित्र आत्मा उसके अंदर प्रवेश करता है। ओके, तीन हो गए, कितने हो गए? पहला क्या था आप लोग बताइए, पहला चिन्ह क्या था?
जोर से बोलिए प्लीज। हाँ, इनाम, गॉड्स गिफ्ट। दूसरा चिन्ह क्या है? कबूतर। तीसरा चिन्ह क्या है? श्वास हवा। इतने आए थे काफी और अपन को आगे जाना। चौथा है सामर्थ। जोर से बोलिए सामर्थ। जोर से बोलिए। लुका रचित सुसमाचार एक अध्याय 35 आयत में लिखा है, एक नौजवान कुंवारी लड़की प्रार्थना में बैठी थी और छोटी लड़की थी। अब प्रार्थना करते करते, जवान बेटियों सुनो, प्रार्थना करते करते वहां ऐसा लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की जोर से बोली परम प्रधान की तुझ पर छाया करें। याद करिए क्रिएशन में भी ऐसी छाया किया पानी के ऊपर, उत्पत्ति के पहले अध्याय में लिखा। यहीं पर मरियम के ऊपर, उस जवान बेटी के ऊपर पवित्र आत्मा ने जब सामर्थ्य से छाया किया, वो गर्भवती हो गई और लिखा है और उसने एक पुत्र को